हेलो गाइस, तो वापस आ गया हूँ अगेन माय लाइफ के अगेन एपिसोड के संग। तो गाइस, जैसा कि हमने इसके पिछले एपिसोड में देखा था, जहाँ पर जो हमारे जंगली लियोन होते हैं, अब वो यहाँ पर उस लड़के को पूरी तरीके से फंसा देते हैं कि उसी ने उसी लड़की का यहाँ पर मर्डर किया। किसका? जो लड़की प्रेगनेंट होती है। तो गाइस, जो हमारा एपिसोड होता है उसकी स्टार्टिंग यहीं से होती है। तो जो केस होता है, अब हमारे चौथे साहब के पास पहुंच जाता है, और जो हमारे चौथे साहब होते हैं, अब वो इस केस के बारे में देखते हैं और वो कहते हैं कि ये केस काफी ज्यादा बड़ा है और ये केस मीरा इलेक्ट्रॉनिक्स का जो केस है उसे दबा देगा। और उसके बाद अब वो यहाँ पर हमारे किम सुक यून से भी कहते हैं कि आपको इस केस को बड़ा बनाना है। तो जो हमारे किम सुक यून होते हैं, अब हमारे जांग यून से कहते हैं कि तुम्हें इस केस को और बड़ा बनाना है। तो जो हमारे जांग यून होते हैं, अब वो यहाँ पर उसी लड़के के पास आते हैं और उसे फिर से इंटरोगेट करते हैं। और भाई, इस बार वो कुछ ज्यादा ही अग्रेसिव हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि भाई तुम अपना गुनाह कबूल कर लो। और जो लड़का होता है वो पहले कह रहा होता है कि भाई मैंने नहीं किया। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि भले तुमने नहीं किया हो, पर मैं इस केस को इतना बड़ा बना दूंगा कि पूरा नेशनल लिखेगा कि भाई तुमने क्या किया है। तो उसके बाद जो हमारे किमी वो ये होते हैं, अब वो यहाँ पर अपनी टीम के पास आते हैं, मतलब अपने सीनियर के पास, और उनसे कहते हैं कि इस बार मेरा टारगेट जांग लियोन है और हमें इस बार बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। तो यहाँ पर जो उनके टीममेट होते हैं, उनसे कहते हैं कि हम इसे पकड़ेंगे कैसे। और उसके बाद अब वो यहाँ पर उनसे कहते हैं कि जो जांग लियोन है अभी अभी रिसेंटली किसको डेट कर रहा है, जंगसी मी को, जो कि नेशनल आर्ट फाउंडेशन की डायरेक्टर होती है। और भाई यहाँ पर उनकी कुछ फोटोग्राफ्स भी होती है। और उसके बाद वो अपने टीममेट से कहते हैं कि टेंशन मत लो, मेरे पास और भी सबूत हैं। और यहाँ पर वो सबको अपना अपना काम दे देते हैं। और उसके बाद जो हमारे किमी वो ये होते हैं, उन फोटोग्राफ्स को लेके कि मामी के पास जाते हैं और वो उन्हें फोटोग्राफ दे देते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम्हें पता है ना कि इन फोटोग्राफ्स का क्या करना। और उसके बाद जो फोटोग्राफ्स होती है, अब वो मतलब न्यूज़पेपर में छप जाती है। और यहाँ पर जो हमारे जंगली लियोन होते हैं भाई, वो तो बिल्कुल प्राउड वाली फीलिंग करते हैं, क्योंकि भाई वो यहाँ पर रिच लेडी को डेट कर रहा है। और यहाँ पर जो सारे कलीग वगैरह होते हैं उनसे कहते हैं सर आपने तो कमाल कर दिया। तो उसके बाद जो हमारे किमी वो होते हैं, अब वो यहाँ पर किसके पास आते हैं, उसी लड़के के पास। और यहाँ पर उससे कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुमने यहाँ पर उसका मर्डर नहीं किया। तो भाई उस लड़के को देख के ऐसा लगता है कि भाई हाँ, इसके जान में जान आ गई। और उसके बाद उनसे कहते हैं कि सर आप मेरी मदद करने आए हैं क्या यहाँ पर। वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे चक्कर में नहीं आया हूँ, मैं तो उस रियल कर्पेट को यहाँ पर पकड़ना चाहता हूँ। और उसके बाद उनसे कहते हैं कि तुम्हारे पास छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन भी उस दिन की तो तुम मुझे बता दो। तो जो लड़का होता है उनसे कहता है कि उस दिन यहाँ पर एक आइडल की मीटिंग थी, और मतलब वो उस आइडल की मीटिंग में थे वहां से आने के बाद। तो जो हमारे किमी होते हैं उनसे कहते हैं कि जहाँ तक मुझे पता चला है कि जो लड़की है उस पर मतलब कई बार चाकू से वार किया गया है। और उनसे कहते हैं कि तुम्हें उसकी चिल्लाने की आवाज नहीं आई? तो वो कहते हैं कि मुझे कोई भी चिल्लाने की आवाज नहीं आई। तो वो यहाँ पर भाई एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पर आखिरकार वो एनालाइज कर लेते हैं कि जो लड़का है उसे चिल्लाने की आवाज क्यों नहीं आई। तो यहाँ पर उस लड़की के मतलब लंग्स पे बार किया गया था, जिससे जो स्क्रीम होती है वो यहाँ पर नहीं निकलती। तो भाई यहाँ पर ये चीज तो क्लियर हो जाती है कि भाई लड़की क्यों नहीं चिल्लाई, पर यहाँ पर अभी भी ये चीज क्लियर नहीं है कि ये लड़का कल्प्रेट है या फिर नहीं है। तो उसके बाद जो हमारे लिमिनसु भैया होते हैं, अब वो उन्हीं चेयरमैन के पास आते हैं जिनका वो केस हैंडल कर रहे होते हैं, पर उनसे छीन लिया जाता है। और छीनने वाले कौन होते हैं? जांग लियोन। और वो यहाँ पर आ कहते हैं कि वाह देखो भाई, आराम से खाना चल रहा है यहाँ पर, मतलब भाई पिकनिक पे आए हो क्या यहाँ पर तुम। और उसके बाद जो यहाँ पर जांग लियोन होते हैं उनसे कहते हैं कि तुम कैसे करके बात कर रहे हो। और यहाँ पर उन्हें मतलब बाहर ले आते हैं, और भाई यहाँ पर उन्हें मतलब धमकी वगैरह देते हैं कि भाई तुम थोड़ा संभल के रहो, यहाँ पर मेरे पीछे बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। तो यहाँ पर जो हमारे लिमिनसु होते हैं भाई, वो तो सफाई डीट होते हैं, वो कहते हैं कि हाँ लगे रहने, उससे मुझे क्या फर्क पड़ता। और उसके बाद जो हमारे किमी होते हैं, अब वो यहाँ पर उसी सीन में पहुंच जाते हैं यहाँ पर जो पूरा मर्डर हुआ होता है। और उसके बाद अब वो यहाँ पर एज्यूम करना स्टार्ट करते हैं कि जो मर्डर है उसने कैसे करके मर्डर किया होता है। तो वो यहाँ पर सब चीज एज्यूम कर लेते हैं। और उसके बाद अब मतलब उसी जगह पर आते हैं जहाँ पर उस लड़के ने बोला था। और यहाँ पर अब वो कैमरा वगैरह देखते हैं कि भाई आसपास कोई कैमरा तो नहीं है। और वो कहते हैं कि यहाँ पर जितने भी कैमरा लगे हुए हैं मुझे सबकी फुटेज निकलवानी पड़ेगी। और उसके बाद अब वो सारी फुटेज निकलवाने के बाद कहाँ पर आते हैं? उसी लड़के के पास। और यहाँ पर अब मतलब एक एक करके सारी फुटेज देखना स्टार्ट कर देते हैं। और भाई आखिरकार वो लड़का उस फुटेज में देखे जाता है। तो यहाँ पर लड़का होता है उनसे कहता है कि अब तो मैं सेफ हूँ ना। तो जो हमारे किमी होते हैं उनसे कहते हैं कि भाई इतना एविडेंस काफी नहीं है, हमें और भी ज्यादा एविडेंस कलेक्ट करने होंगे। और उसके बाद जो हमारे किमी होते हैं, अब वो यहाँ पर किसके पास आते हैं? हमारी क्यूरी के पास। और उनसे कहते हैं कि मेरे पास तुम्हारे लिए काम है। और गाइस जो हमारा सीन होता है अब वो चेंज हो जाता है। और अगले सीन में ही जो हमारे किमी होते हैं, अब वो यहाँ पर भाई एक लॉयर से मिलने आते हैं और उनसे कहते हैं कि सर आपको ये केस लड़ना पड़ेगा। तो ये लॉयर होते हैं उनसे कहते हैं कि भाई ये केस बहुत ही डिफिकल्ट है, और मतलब इस समय इसने काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन करके रखी हुई है। तो वो उनसे कहते हैं कि तभी तो आपको ये केस लड़ना पड़ेगा। तो ये लॉयर होते हैं उनसे कहते हैं कि भाई इस केस को जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है, और भाई जो तुम एविडेंस कह रहे हो उनसे कुछ नहीं होने वाला। तो जो हमारे किमी होते हैं उनसे कहते हैं कि आप टेंशन मत लीजिए, सब कुछ हो जाएगा, और अगर मान लो आप इस केस को जीत गए तो भाई आपको कितना ज्यादा नाम होगा। तो उसके बाद जो लॉयर होते हैं, अब वो उनके ऊपर विश्वास करके उस केस को टेक ओवर कर लेते हैं।
तो गाइस अब फाइनली वाला दिन आ जाता है, अब यहाँ पर जो हमारा ट्रायल होता है अब वो स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे लॉयर साहब होते हैं, अब वो यहाँ पर जो एविडेंस वगैरह होते हैं उससे मतलब दिखा देते हैं सब लोगों के सामने कि कैसे करके जो लड़का है वो यहाँ पर उस फुटेज के अंदर है। तो यहाँ पर जो हमारे जांगुलियन होते हैं वो कह देते हैं कि ये तो भाई ऐसे करके कुछ होगा, मतलब खरीदने गया होगा नाइफ और उसके चक्कर में यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर मतलब वो कई सारी दलीलें दे देते हैं। तो भाई जो हमारा केस होता है अब हमारे जांगुलियन के फेवर में मतलब जाते हुए दिखाई देता है। तो यहाँ पर जो हमारे लॉयर साहब होते हैं भाई उनकी टेंशन भी बढ़ जाती है, तभी यहाँ पर जो हमारे किमी होते हैं भाई उन्हें इशारा कर देते हैं कि टेंशन मत लो, और यहाँ पर हमारी क्यूरी आ जाती है और उनके संगी जो हमारे जांगुलियन का मतलब टीममेट होता है वो भी यहाँ पर आता है और हमारे जांगुलियन के कानों में मतलब कुछ फूंक देता है। और उसके बाद जो हमारे जांगुलियन होते हैं वो कहते हैं कि सर जो रियल कल्प्रेट है वो पकड़ा जा चुका है और भाई मैं इस केस से ड्रॉप कर रहा हूँ। तो यहाँ पर भाई एकदम क्या हुआ भाई, ये तो बिल्कुल ही अपसाइड डाउन हो गया, मतलब भाई जो हमारे जांगुलियन इस समय हवा में उड़ रहे थे वो एकदम ही मतलब भाई फुस्सी बम निकले, मतलब भाई उन्हें एकदम ही केस जो है वो ड्रॉप करना पड़ा। और भाई सबसे मेन बात कि हमारे किमी भैया ने यहाँ पर कौन सा गेम खेल दिया। तो उसके बाद जो केस होता है वो फिनिश हो जाता है और जो हमारे लिमिनसू होते हैं उनसे पूछते हैं कि भाई तुमने एक्चुअल में किया क्या है, यहाँ पर हुआ क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो उसके बाद अब वो यहाँ पर बताना स्टार्ट करते हैं, उनसे कहते हैं कि मैं क्यूरी के पास गया था और मैंने उसे इसके बारे में बताया, और यहाँ पर अब मतलब कल्प्रेट का नाम ही बता देते हैं। तो जो हमारी क्यूरी होती है अब मतलब उसका पीछा करना स्टार्ट कर देती है, और जो हमारे किमी होते हैं वो उसके घर पे आके देखते हैं कि भाई यहाँ पर मतलब उसके वेपन वगैरह जो भाई वो काम करता है उसके बाद मतलब सफाई करने वाला काम उसके घर पर होता है। और जो हमारी क्यूरी होती है अब मतलब उसके पीछे जाती है और भाई यहाँ पर वो किसी बॉडी को मतलब डंप कर रहा होता है, तभी यहाँ पर जो हमारी क्यूरी होती है भाई उसे रंगे हाथों पकड़ लेती है, पर वो यहाँ पर थोड़ी लड़ने की कोशिश करता है। तो भाई यहाँ पर जो हमारे किमी ये होते हैं वो भाई यहाँ पर एक बाउंसर भेज देते हैं, और भाई उसके बाद अब मतलब उसे रंगे हाथों पकड़ देते हैं, और जो हमारी क्यूरी होती है वो इंटरोगेशन में उसके मुंह से सब कुछ उगलवा लेती है कि भाई तुमने कौन कौन सी लड़कियों के मर्डर किए हैं। तो जो हमारे लिमिनसू होते हैं वो समझ जाते हैं कि भाई तुम ग्रेट हो, और यहाँ पर जो हमारे जांगुलियन होते हैं भाई उनके चेहरे पर क्या अच्छी तरीके से तमाचा पड़ता है। पर जो यहाँ पर हमारे किमू होते हैं वो भाई कहाँ इतनी आसानी छोड़ने वाले होते हैं भाई, वो पूरा बर्बाद करके छोड़ेंगे। और उसके बाद वो अपने टीममेट के संग यहाँ पर जो उनके ब्राइब के केस होते हैं और भाई जिनके संग वो मतलब डेट कर रहे होते हैं जंगसिमी को, भाई उन दोनों को भाई पूरी तरीके से मतलब घेर लेते हैं। यहाँ पर वो उनकी ब्राइब वगैरह की जो भी एविडेंस होते हैं मतलब उसे कलेक्ट कर लेते हैं। तो उसके बाद जो हमारे जांगुलियन होते हैं अब वो यहाँ पर किसके पास आते हैं, हमारे किमू भैया के सीनियर के पास, और उनसे कहते हैं कि मुझे पता चला है कि तुम संगजीमी के खिलाफ जो केस है उसे बना रहे हो और मतलब उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, और ये सब चीजें हमारे भाई कौन सुन लेते हैं, चीफ प्रोसिक्यूटर किम सो क्यून, किसके द्वारा भाई जो उन्होंने लगाया होता है उनके ऑफिस में। और उसके बाद वो हमारे किसको बुलाते हैं, हमारे किमू भैया के सीनियर को, और उनसे कहते हैं कि मैंने सुना है कि तुम उसके खिलाफ मतलब इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो। तो वो उनसे कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस इन्वेस्टिगेशन को मतलब जारी रखो। तो वो कहते हैं कि यस सर मैं तो रेडी हूँ। और उसके बाद अब जो हमारे चीफ प्रोसिक्यूटर होते हैं वो किसके पास आ जाते हैं, चौथे साहब के पास, और भाई यहाँ पर जो चौथे साहब होते हैं भाई उनकी पूछ के जरा देते हैं, मतलब उनसे कहते हैं कि भाई तुम कोई काम के इंसान नहीं हो, तुमसे एक काम नहीं हुआ। और यहाँ पर जो हमारे चीफ प्रोसिक्यूटर होते हैं भाई उनके पैरों में गिर जाते हैं। तो जो हमारे चौथे साहब होते हैं भाई वो तो बहुत बड़ा आदमी है दिल का, वो यहाँ पर उनसे कहते हैं कि भाई खड़े हो जाओ, पहले खड़े हो जाओ। और उसके बाद उनसे पूछते हैं कि तुम्हारे पास कोई केस है या फिर नहीं है। तो वो कहते हैं कि यहाँ एक केस है मेरे खिलाफ, और वो यहाँ पर मतलब अब हमारे जांगुलियन को मतलब भाई पूरी तरीके से फंसाने की सोचते हैं। और उसके बाद जो कमी रह रही होती है वो हमारे किमू ये पूरी कर देते हैं। तो जो हमारे चीफ प्रोसिक्यूटर होते हैं अब हमारे किसको बुलाते हैं, किमू को, और उनसे कहते हैं कि हमारे जो प्रोसिक्यूशन में एक प्रोसिक्यूटर है जो कि हमारे पूरे प्रोसिक्यूशन के ऊपर मतलब यहाँ पर धब्बा लगा रहा है, और उनसे कहते हैं कि तुम तो जानती हो कौन है। तो वो कहते हैं कि जांगुलियन, तो वो कहते हैं कि हाँ। और उसके बाद वो भाई वही एविडेंस उन्हें दे देते हैं जो हमारे किमी भैया ने यहाँ पर मतलब प्रोवाइड किए होते हैं, और उसके बाद उनसे कहते हैं कि तुम्हें इसको मतलब सजा करवानी है और ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। और गाइस जो हमारा एपिसोड होता है वो यहीं पर एंड हो जाता है।